मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी पहले से काफ़ी बेटर हूँ और मम्मी की तबीयत भी पहले से काफ़ी बेटर है एंड 50% मम्मी की तबीयत में ठीक ठाक है और मेरी भी काफ़ी अच्छे 90% मैं ठीक हो चुकी हूँ। टाइफाइड हुआ था तो वो हाँ रिकवर हो चुकी हूँ और काफ़ी दिन के बाद मैं आज आप लोगों को गुड मॉर्निंग इस तरीके से विश कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग, एक्सेप्ट करिए जो मेरी गुड मॉर्निंग को। और आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 या 8 बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा है कि क्या टाइम हो रहा है। तो सोचा चलो सब लोगों को पहले गुड मॉर्निंग बोल दूँ, उसके अपना डेली रूटीन फॉलो करूँगी और बस। तो काफ़ी दिन के बाद से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ आप लोगों को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके से बोलने में और काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे जाना है अब छिंछू को घुमाने के लिए, काफ़ी दिनों को छिंछू को भी मैं सही से घुमाने नहीं लेके गई हूँ और वो भी बेचारी बहुत दुखी रहती है। तो मैं छिंछू को घुमाने के लिए भी जा रही हूँ, फिर भी चाय नाश्ता करूँगी और मेडिसिन वगैरह खाऊंगी, फिर काम वाम भी करना है क्योंकि मम्मी से तो हम लोग काम करवा नहीं रहे क्योंकि मम्मी इस कंडीशन में नहीं है कि अभी ज़्यादा काम कर सके, तो मम्मी को हम जितना हो सके रेस्ट करने दे रहे हैं, तब चलते अपने काम के लिए। और मैं छिंछू को लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे बाहर और ये मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे फेस पे अभी भी स्वेलिंग है, मेरी आंखों के नीचे भी अभी काफ़ी स्वेलिंग है और यहाँ बैठे हुए मेरे दोनों स्ट्रीट डॉग हैं। घर आने के बाद छिंछुन की यहाँ मस्ती स्टार्ट हो चुकी है सबके साथ में। फिर उसके बाद मैं छिंछुन को लेके आ चुकी थी घर पे, लेकिन वो नाराज़ हो रही थी मुझसे कि मुझे घर पे लेके क्यों आई। तो फिर मैं उसके लिए लेने के लिए गई थी ट्रीट, क्योंकि मैंने उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी ट्रीट, तो मैं उसको रोज़ 1 या 2 ट्रीट दे ही देती हूँ। ये देखो कैसे ऊपर चढ़ चढ़ के मुझसे ट्रीट मांग रही है कि मुझे ट्रीट दे ही दे, लेकिन मैं फाइनली उसको ट्रीट नहीं देती हूँ, मैं इसको पापा के रूम में लेके जाती हूँ, पापा इसको देंगे तोड़ तोड़ के, क्योंकि अगर इकट्ठा इसको दे देते हैं तो ये पूरी खा जाती है। और यहाँ ये देखिए मैं चाय के साथ पपड़ी खा रही थी तो छिंछू ने मुझसे छीन लिए यहाँ पे पपड़ी और खुद खाने लगी है यहाँ बैठ के आराम से। छिंछू ये जो मैदा वाली पपड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग उसके लिए भी एक पैकेट मंगा के रखते हैं। और यहाँ मैं नहा धो के हो चुकी थी बिल्कुल रेडी, खाना पीना सब खा लिया, पूजा वगैरह कर ली थी, तो यहाँ मैंने लगा दिया सारा मेकअप का सामान क्योंकि नेहा काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि तैयार कर तैयार कर, तो आज मैंने सोचा चलो नेहा को तैयार कर ही देती हूँ, उसका मन भी रह जाएगा और खुश भी हो जाएगी वो। तो यहाँ मैंने नेहा का थोड़ा सा मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। मेकअप में कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, कोई प्रोडक्ट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं है जो मैं भारी मेकअप कर सकूँ, लेकिन हाँ नॉर्मली पॉन्ड्स क्रीम रखी हुई थी वो लगा दी, थोड़ा सा फेस पाउडर लगा दिया मैंने अच्छा सा, और फिर थोड़ा सा कॉन्टोर वो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो लगा दिया था, और अपना जो लहंगा है मेरे पास ये लहंगा रखा हुआ था तो मैंने ये वाला लहंगा उसको पहना दिया है। और नेहा काफ़ी खुश हो गई थी मेकअप करवा के, क्योंकि नेहा को ना तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे सभी लड़कियों को पसंद होता है तो ऐसे नेहा को भी वो चीज़ काफ़ी पसंद है। और जो चीज़ नेहा को पसंद होती है ना, हम लोग उसकी खुशी के लिए कुछ भी करते रहते हैं, कभी उसको तैयार कर देते हैं, कभी कुछ उसके लिए ला के देते हैं, कभी उसके फेवरेट चीज़ें बनाते रहते हैं, मतलब उसको खुश करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। यहाँ पे नेहा बैठ के दे रही है अपने पोज, क्योंकि मैं नेहा के फोटोज वगैरह निकाल रही थी, अपने पोज दे रही है। और यहाँ पे नेहा मम्मी को दिखाने के लिए आई है कि कृष्णा ने मुझे कैसा रेडी किया है, तो मम्मी तारीफ कर रही अच्छी लग रही है। और यहाँ फिर नाइट के टाइम पे मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज सबके लिए मैगी बनाती हूँ, मसाला मैगी। तो मैंने यहाँ सबके लिए मसाला मैगी बनाई थी, मसाला मैगी में आलू ज़रूर डालती हूँ
और जो जो सब्ज़ियाँ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट ली हैं मसाला मैगी बनाने के लिए, और टमाटर, प्याज, मिर्ची, आलू, धनिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच बड़ा ऑयल, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग और ज़ीरा। हींग और ज़ीरा चटकने के बाद इसमें डाल दूँगी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा लहसुन, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं सॉल्ट, जिससे क्या प्याज अच्छे से जल्दी से पक जाती है। और उसके बाद डालूँगी थोड़े से जो मैंने आलू काट के रखे हुए थे, उसके बाद मैं वो आलू डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी उनको। मिक्स करने के बाद इनको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए, और काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था तो ये पक चुके हैं और थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे कि रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने ये सारा डाल के मैंने इसको फ्राई किया था। उसके मैंने डाल दिया था पानी, पानी में आ गया था बॉयल, तो मैंने डाल दिया उसमें मैगी। मैगियाँ फाइनली मेरी बन चुकी है। इसमें मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दी है हरी धनिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज जो मैगी बनाई है मसाला मैगी, मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाई है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली मैगी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ मेरी मैगी बन चुकी है और रेडी हो चुकी है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ मैगी के मज़े। इस तरीके से मसाला मैगी बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी टेम्पटिंग लगती है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरीके से मसाला मैगी बनाना ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैगी खाने के बाद मैं लेके गई थी छुनछुन को बाहर, और उसके बाद मैं करती हूँ अपने वीडियो का यहीं पर एंड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।